Hello students, you know yesterday I told you half story of the clever frog. Okay, so today I will continue this story. So here we go. तो मैंने आप लोगों को कल clever frog के बारे में कल वीडियो में आपको मैंने जो पढ़ा रहे थे यहाँ तक पढ़ाए थे ना, क्या होता वो एकदम भूखा था शेर, जो टाइगर था एकदम भूखा था, तो वो क्या सोचे कि अब खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है बड़ा, तो वो सोचे कि अब मैं छोटा सा जो है ये फ्रॉग जो मेंढक मैं इसी को खा लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ही पाउंस ऑन द फ्रॉग एंड कट हिम। उसके बाद उसने वो मेंढक को क्या किया, अपने पंजों से ऐसे मार दिया। ठीक है ना, उसको उसने कैच कर लिया, उसको पकड़ लिया, ऐसे पंज मार के उसको पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द फ्रॉग वॉज वेरी अफ्रेड। एकदम वो मेंढक क्या हुआ, एकदम डरा हुआ था, एकदम डर गया वो मेंढक, डर गया। बट ही वॉज क्लेवर, लेकिन वो क्या था, एकदम चतुर था, क्लेवर था, एकदम क्या था, एकदम चतुर था, दिमाग एकदम ज़्यादा था, वो लगाते थे ना। सो अब देखिए, ही सेट वेट मिस्टर टाइगर। उसने कहा रुको टाइगर जी, मिस्टर टाइगर रुको, सर जी रुको। ठीक है, आई नो यू वॉन्ट टू ईट मी, मुझे पता है तुम मुझे खाना चाहते हो, बट आई एम सो डर्टी, लेकिन क्या हूँ मैं, एकदम गंदा हूँ, एकदम गंदा हूँ। ठीक है, तो अब सुनो, लेट मी वॉश माई सेल्फ फर्स्ट। उसने कहा अभी रुको शेर जी, मैं एकदम गंदा हूँ, पहले मैं अपने आप को साफ होने दो, उसके बाद आप खाओ, देन यू कैन ईट मी, उसके बाद तुम खा सकते हो मुझे। ठीक है ना, आई विल बी क्लीन एंड टेस्टी टू ईट, मैं पहले साफ़ हो जाऊँगा, मेरे एकदम साफ़ हो जाऊँगा, उसके बाद एकदम तुम खाओगी तो एकदम टेस्टी लगेगा, एकदम मज़ा आएगा खाने। ठीक है, एकदम टेस्टी स्वाद आएगा तुमको। द टाइगर थॉट फॉर सम टाइम। टाइगर जो है, शेर जो है, थोड़ी देर क्या कहा, क्या करने लगी, एकदम सोच में पड़ गई, सोचने लगी। देन ही सेड, उसके बाद उसने कहा, देन ही सेड, उसने कहा आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो, सही कह रहे हो। ठीक है ना, तुम्हारी बात सही है। आई शुड नॉट ईट अ डर्टी फ्रॉग, आई कैन बी सिक। हाँ, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं एकदम गंदा जो मेंढक जो है मैं खा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं बीमार हो सकता हूँ, आई कैन बी सिक। ठीक है, मैं बीमार हो सकता हूँ। अब उसके बाद क्या है, गो एंड वॉश योर सेल्फ क्विकली, जाओ तुम्हारे शरीर जो है तुम जाओ साफ कर लो, अपने आप को एकदम जल्दी से साफ कर लो। आई एम वेटिंग हियर फॉर यू, तुम्हारे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रुक लूँगा। ठीक है ना, तुम्हारा वेट कर लूँगा, यहाँ पे तुमको वेट करूँगा, रुक लूँगा यहाँ पे। ठीक है ना, बट कम बैक सून, लेकिन क्या है, तुम जल्दी आना, बट कम बैक सून, तुम जल्दी आना। ठीक है, सेइंग दिस द टाइगर लेट द फ्रॉग ग्रो फ्रॉग गो। इसका मतलब ये कहने के बाद उसने क्या कहा, टाइगर ने उसको छोड़ दिया, और पंजों से पकड़ा हुआ था, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, पकड़ा हुआ था, लेकिन उसने उसके बाद छोड़ दिया, जाओ नहा के आ लो। उसके बाद अब देखिए मेंढक क्या करते हैं, हॉप 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 द फ्रॉग हॉप इन टू द पॉन्ड एंड जम्प इन टू इट। उसके बाद क्या, हॉप हॉप ऐसे करते उपड़ते कि नहीं मेंढक, उपड़ते उपड़ते क्या किया, वो तालाब में जम्प कर लिया। ठीक है ना, उसके बाद क्या किया, जम्प कर लिया। देन ही वेव टू द टाइगर, उसके बाद ऐसे लहलाते हुए, तब क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं ना ऐसे, तब ये देख रहे हैं, टाइगर के पास में आया। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, लहराते हुए टाइगर के पास आया। द टाइगर स्मेल एट हिम, उसके बाद टाइगर क्या, इसके ऊपर उसको देख कर हंसी। द फ्रॉग टर्न अराउंड, उसके बाद फिर वो क्या हुआ, घूम गया, ऐसे घूम गया, टर्न अराउंड। ठीक है, वो फ्रॉग क्या है, मेंढक घूम गया। ही स्वम अवे एज फास्ट एज ही कुड, उसके बाद वो क्या करने लगा, बहुत जितना वो स्पीड से तैर सकती थी वो एकदम तेजी से तैरने लगी। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, सून द टाइगर कुड नॉट सी हिम एनीवेयर, उसके बाद क्या है, वो उसको इधर उधर देखने लगी, जब टाइगर ने उसको इधर उधर देखने लगी तो उसको दिखाई नहीं पड़ा। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब क्या है,
हाँ यहाँ पे द टाइगर वेंट नियर द पॉइंट, जब टाइगर कहाँ पहुँचा, वो जो तालाब थे उसके पास में पहुँचा, ही वेटेड एंड वेटेड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट, एकदम बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसका वेट किया, रुका उसका वेट किया बाहर आने की, ठीक है, वो मेंढक का बाहर आने की, ही वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसने लंबे समय तक बाहर आने की वेट की, क्योंकि वो नहाने गया था, उसको भूख लगी थी, वो खाना था उसको, तो उसके एकदम ज़्यादा उसका वो वहाँ रुक कर वेट किया, देन ही लेट डाउन बाई द साइड ऑफ द पॉन्ड, मतलब वो तालाब के पास में जाकर वो क्या किया, ऐसे बैठ गया, अपने पंजे संजे सब अपना पूरा शरीर फिजा के वो क्या किया वहाँ पे बैठ गया, सुन ही वॉज फास्ट असलीप, ही वॉज फास्ट असलीप, उसके बाद क्या हुआ वो वेट करते करते सो गया वहीं पे। तो हम लोग को ये स्टोरी से यही नॉलेज मिलता है, ये शिक्षा मिलता है कि जैसे कि हम लोग आप लोग फ्यूचर में जाके कहीं भी काम कर रहे हो, कोई भी मतलब स्टडी के लिए कहीं जा रहे हो, कहीं कुछ काम कर रहे हो, तो उस टाइम क्या होते प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना होता है, ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं हम लोग क्या होना है एकदम क्लेवर भी होना चाहिए, चतुर, जैसे ये मेंढक था, अगर ये मेंढक उस टाइम अपना दिमाग नहीं लगाए होते, ये चतुर नहीं होता, तो वो पक्का मरा जाता, शेर का हाथ से पक्का पंजे से मर जाता है, लेकिन ये एकदम चतुर था इसलिए वो बच के भाग गया। इसलिए हम लोग भी अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो अपना दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए, एकदम चतुर क्लेवर होना चाहिए, तभी हम लोग वो प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो हम लोग भी उसी में फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।